पीपल, मैं हूँ भरत आचार्य। वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइमिंग डायग्राम्स ऑफ 885 हिंदी में। यस, ये अब बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, सर प्लीज 885 हिंदी कोर्स में टाइमिंग डायग्राम जल्दी से जल्दी डालो। यस, इट्स द टॉपिक लाइक दिस, जो बच्चों को ये टॉपिक पर समझ में आ गया उनके लिए बहुत आसान है। आई बेट यू इट विल बी योर सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ 885। एक बार आपको ये समझ में आ गया, कोई भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम मैं बोलूँ बनाओ, 2-3 मिनट के अंदर आप बना पाओगे। जिसको नहीं समझ में आया वो ये टॉपिक ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बाय हार्ट नहीं हो सकता। हर इंस्ट्रक्शन का अलग टाइमिंग डायग्राम होता है, देर आर 74 इंस्ट्रक्शंस। थोड़ी ना बैठ के 74 इंस्ट्रक्शन का डायग्राम याद करेंगे, बच्चे छोड़ ही देते हैं, तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। समझ लो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मगर एक बार समझ गए, जितना स्माइल मेरे मुंह में इस वक्त पढ़ाने के टाइम पे, उतना ही खुशी आपको होगी जब आप ये बना पाओगे। कोई भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम पूछा, ऐसे बना दोगे। अब टाइमिंग डायग्राम में होता क्या है, टाइमिंग डायग्राम में हम बनाते हैं एक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल। ध्यान दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब क्या, फेच डीकोड एग्जीक्यूट, पूरा स्टोरी एक इंस्ट्रक्शन का, कि वो कैसे फेच हुआ, कैसे डीकोड हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ। उस सारे वक्त के दौरान कौन सा सिग्नल हाई हुआ, कौन सा सिग्नल लो हुआ, कौन से बस में इस वक्त क्या वैल्यू आया, फिर कौन सा वैल्यू आया, हम वो बताते हैं। ऐसे दिखते हैं टाइमिंग डायग्राम। इस सारे टाइम में किस वक्त कौन सा सिग्नल हाई हुआ, फिर लो हुआ, कौन सा हाई, फिर लो, फिर हाई, किस वक्त बस में एड्रेस आया, किस वक्त बस में डेटा आया, हमको ये बताना है। अगर आप ध्यान दे रहे थे तो हर बार मैं क्या शब्द यूज़ कर रहा था, किस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइमिंग डायग्राम का टाइमिंग है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। रीड बार, जैसे एक एज एन एग्जांपल ऑपकोड फेच में रीड बार को लो होना है, तो यहां पे ही लो होना है। बच्चे यहां पे लो बना देते हैं, फिर बोलते हैं सर मार्क्स क्यों नहीं दिया, लो तो बना है ना, लो बनाने के मार्क्स नहीं है, करेक्ट वक्त पे लो बनाने के मार्क्स है। बात समझ में आए, हम टाइमिंग बता रहे हैं एक्टिविटीज की, कि इस टाइम पे कौन सा सिग्नल किस वक्त हाई और लो होते हैं, उसको बोलते हैं टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम बनाने में, जैसे मैंने कहा, एक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर होते हैं मशीन साइकिल्स, ध्यान से सुनो हर शब्द को, क्या होते हैं, मशीन साइकिल्स। मशीन साइकिल के अंदर होते हैं टी स्टेट्स। सब समझ में आएगा, पहले शब्दों को देखो तो सही क्या है, फिर समझो। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होते हैं मशीन साइकिल, मशीन साइकिल में होते हैं टी स्टेट। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, पूरा प्रोसेस फेच डीकोड एग्जीक्यूट, ठीक है, उसको अलग अलग क्या लगते हैं, मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, मतलब वन डेटा ट्रांसफर, सिस्टम में एक डेटा ट्रांसफर करने को बोलते हैं वन मशीन साइकिल। बात समझ में आया, एक मशीन साइकिल में कितना डेटा ट्रांसफर होता है, 1 byte। क्यों, क्योंकि 885 का डेटा बस 8 बिट्स का है, डेटा थोड़ी उड़ के आता है, डेटा तो डेटा बस से आता है ना, डेटा बस 8 बिट का है, मतलब एक साइकिल में वो 8 बिट्स ट्रांसफर करेगा, 8 बिट्स मतलब 1 byte, समझे। तो कोई इंस्ट्रक्शन को अगर खाली 1 byte ट्रांसफर करना है तो उसको 1 machine cycle लगेगा, जिसको 2 bytes ट्रांसफर करना हो, जैसे पुश हो गया, याद है ना, पुश एंड पॉप खाली रजिस्टर पैर पे काम करते हैं, उनको 2 byte ट्रांसफर करने होते हैं, जैसे SHLD हो गया, LHLD हो गया, एंड बहुत सारे, जिनको 2 byte ट्रांसफर करना है उनको 2 machine cycle लगते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन को 2 byte लेने होते हैं और फिर 2 byte स्टोर भी करने होते हैं, जैसे कॉल वाला इंस्ट्रक्शन हो गया, जब आएगा, सबसे बड़ा टाइमिंग डायग्राम है कॉल का, उसको बहुत सारे मशीन साइकिल लगते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग क्या लगते हैं, मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल में एक डेटा ट्रांसफर होते हैं, ये 4 होते हैं मशीन साइकिल्स, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। अब डिफाइन करो, शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह मैं वाइवा ले रहा हूं, बोलो बच्चे मेमोरी रीड क्या होता है। मेमोरी रीड मतलब ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू म्यूपी, जब म्यूपी मेमोरी से डेटा लेते उसको बोलते हैं मेमोरी रीड, जब म्यूपी मेमोरी में डेटा भेजते उसको बोलते हैं मेमोरी राइट, सिमिलरली आईओ रीड, सिमिलरली आईओ राइट। ये 4 मशीन साइकिल्स को जोड़ मरोड़ के सारे इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम बनते हैं। इनके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन साइकिल होता है, जिसको बोलते हैं ऑपकोड फेच। हर इंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है
ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के साथ। कोई कोई इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड फेच के बाद कुछ भी नहीं लगता, मगर ऑपकोड फेच तो पक्का लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मशीन साइकिल है, पहले ये चार सीखेंगे फिर इस पे आएंगे, ठीक है। अब तो ये हो गया मशीन साइकिल। बोलो मशीन साइकिल क्या होता है, समझ में आया ना? वन डेटा ट्रांसफर, एक इंस्ट्रक्शन को सेवरल मशीन साइकिल लगते हैं। अब एक मशीन साइकिल के अंदर अलग अलग टी स्टेट्स होते हैं, यह बात समझो। प्रोसेसर के लिए टाइम सेकेंड्स या मिली सेकेंड या मिनट्स या आवर्स में नहीं गिना जाता है, प्रोसेसर के लिए टाइम क्लॉक पल्सेस में गिना जाता है। बोलो बात समझ में आए? हमको चार फ्लोर क्लाइंब करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, इधर से उधर जाने के लिए 15 सेकेंड लगते हैं, तो हम टाइम मिनट सेकेंड्स में बोलते हैं। मेरे घर से मेरे को इधर ड्राइव करके आने में 1 घंटा लगता है, एज एन एग्जाम्पल। प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन करने में 4 सेकेंड या 4 मिलीसेकेंड नहीं, कितने क्लॉक पल्सेस लगते हैं हम वो बात करते हैं। प्रोसेसर का टाइम टाइम से नहीं गिना जाता है, क्लॉक पल्सेस से गिना जाता है। बोलो बात समझ में आया? क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोसेसर लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको टाइम नहीं समझ में आता। ये प्रोसेसर लो अपने हाथ में, अब उसको 1 मिनट के लिए पकड़ो या 1 घंटे के लिए पकड़ो, हमको समझ में आएगा कि 1 मिनट या 1 घंटा हुआ है? प्रोसेसर को थोड़ी समझ में आएगा, वो थोड़ी लिविंग ऑब्जेक्ट है। उसको क्लॉक्स मिलते हैं, वो क्लॉक्स को गिनते हैं, उसका टाइम क्लॉक्स से समझ में आता है। क्लॉक का काम क्या है? हर क्लॉक पल्स प्रोसेसर को ट्रिगर करते हैं, समझे? मैं प्रोसेसर हूं, मेरे को क्लॉक आ रहा है, हर क्लॉक पल्स मेरे को जगाता है, बोलते जागो, अभी कुछ करो, अभी कुछ और करो, अभी कुछ और करो। हर क्लॉक पल्स में ये है क्लॉक्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम ऊपर बनाया जाता है, हर टाइमिंग डायग्राम में ऐसे ही दिखता है, तो बच्चों को लगता है इनसिग्निफिकेंट है। इसी पे तो ये सब हो रहे हैं, हर चीज जो इधर हो रही है ये क्लॉक्स के वजह से हो रही है, ठीक है। हर क्लॉक पल्स प्रोसेसर को बोलते हैं अब कुछ करो, मतलब इस वक्त प्रोसेसर का स्टेट ऐसा है, ये बस में ये वैल्यू है, ये बस में ये वैल्यू है, ये सिग्नल हाई है, ये सिग्नल लो है, सो ऑन, ठीक है। अगले पल्स में दिख रहे बदलाव आ गया, दिखा कि नहीं? कुछ और हो रहा है, इधर जो हो रहा है वो इधर से अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगले क्लॉक पल्स में वापस बदलाव आ गया, कुछ और इधर चेंज हो गया, फिर अगले क्लॉक पल्स में वापस बदलाव आ गया, मतलब हर क्लॉक पल्स में प्रोसेसर की हालत बदलती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ द प्रोसेसर चेंजेस, देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसीलिए क्लॉक पल्स को बोलते हैं टी स्टेट। ये दिख रहे हैं ना, T1, T2, T3, T4, टी का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशन, इधर एक स्टेट चल रहा है, अब ट्रांजिशन होके नया स्टेट आया। बात समझ में आया कि नहीं? क्लॉक पल्सेस को टी स्टेट्स क्यों बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ जाओ वापस इधर। सो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में अलग अलग मशीन साइकिल होते हैं, एक मशीन साइकिल में अलग अलग टी स्टेट्स होते हैं। टी स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ मशीन साइकिल्स, मशीन साइकिल्स आर अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सब वर्ड्स समझ में आए, अब इनको ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले सब वर्ड्स तो समझ में आए, तो पहले हम ये जो 5 मेन मशीन साइकिल्स हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आयो रीड, आयो राइट एंड ऑपकोड फेच, इनके सिग्नल्स को ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले हम इनका एक टेबल बनाएंगे, टेबल पे सीखेंगे ऑपकोड फेच में कौन सा सिग्नल हाई होना चाहिए, कौन सा सिग्नल लो होना चाहिए, एटसेट्रा, फिर मेमोरी रीड में, एटसेट्रा। एक बार हमने ये टेबल में बना के समझ गए, फिर इनको डायग्राम्स में बनाएंगे। ऑपकोड फेच है तो ये लो होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, एटसेट्रा। और ये जो बसेस हैं इनमें क्या एक्टिविटीज होगी और कौन से टाइम पे एक्टिविटीज होंगी वो हम सीखेंगे। पहले एक बार हमने ऑपकोड फेच बनाना सीख लिया तो आपका काम हो गया। मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चों ने मेरे साथ क्लासेस में ये सब सीखा है, अभी तो 20-21 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चे भी कभी कभी यूट्यूब में वीडियोज देखते हैं, बोलते हैं सर याद आ रहे बातें, उनको ये बात याद आएगी। टाइमिंग डायग्राम पढ़ना ऐसा है, शुरुआत में एफर्ट होते हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं। एक बार आप यहाँ पे पहुँच गए, इधर तक पहुँचने को कुछ 15 से 20 मिनट लगते हैं। एक बार आप यहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद इट्स अ डाउन हिल स्लोप, उसके बाद बस मेहनत कुछ नहीं करने, अपने आप बनते जाएंगे। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सब टाइमिंग डायग्राम मैं सिखाऊंगा ही नहीं, मैं खाली पिन पे हाथ लगाऊंगा, अपने आप खुद चिल्ला के बोलोगे इस वक्त हाई, इस वक्त लो, एटसेट्रा, मेहनत इधर खत्म हो जाएगी। तो बस हमको ऑपकोड फेच सीखना है, फिर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आयो रीड, आयो राइट। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये 500 मशीन साइकिल्स को बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये खुद भी आते हैं एज एग्जाम क्वेश्चंस, और ये यूजफुल होते हैं इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम बनाने में। जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जैसे इंग्लिश कोर्स में बनाया था, उसमें हम
1 से लेकर 74 हर इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये इंस्ट्रक्शन में कौन से मशीन साइकिल लगेंगे। आपने एक बार ये 5 साइकिल्स बनाना सीख लिया, फिर उसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बनाना है तो उसमें कुछ नया नहीं सीखना है, इनको ही जोड़ के बनाना है। फिर आपका दिमाग इस वक्त इस चीज पे काम करेगा कि MBI B25 है तो उसको क्या क्या लगेगा, मैं बताता हूँ उसको, आपको फेच मेमोरी लगेगा, ऑफकोर्स वो तो मेरे को मालूम है, बट वो आपको सीखना है कि ये कैसे एनालाइज करते हैं। कॉल है तो उसको लगेगा ऑफकोर्स फेच मेमोरी रीड देन मेमोरी राइट, तो वो आपको सीखना है। वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि आपको देखना है कौन से मशीन साइकिल्स को जोड़ के बड़े इंस्ट्रक्शन बनेंगे। आज के लेक्चर में आपको ये 5 मशीन साइकिल्स ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है? तो ये है आज के वीडियो का समरी। अब ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा मेरे वेबसाइट पे www.bharataacharyaeducation.com। आप आइए मेरे वेबसाइट पे, लॉगिन अपना लॉगिन आईडी बनाइए, 8085 हिंदी वाला कोर्स सिलेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब क्लिक कीजिए। वहाँ पे एक पेमेंट है, ऑफ कोर्स इट्स अ पेड कोर्स, हमने फीस बहुत कम रखी है सो दैट द पुअरेस्ट स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड इट। एट द सेम टाइम दिस एक्सरसाइज इज वायबल फॉर अस टू डू टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज। इंग्लिश के सारे कोर्सेज ऑलरेडी बन चुके हैं, 8085 का पूरा इंग्लिश कोर्स रेडी है, उसका फीस है 1200। सारे कोर्सेज जो रेडी है उनका फीस 1200 है। जब हम कोई कोर्स शुरू करते हैं तो उसका फीस बहुत कम रखते हैं, जैसे जैसे उसमें वीडियोस ऐड होते हैं फीस बढ़ते हैं। तो 8085 जब शुरू हुआ था उसका फीस था 499, अभी मेरे ख्याल से 12-13 वीडियोस ऐड हो चुके हैं उसमें, तो उसका फीस अराउंड 799 के आसपास है। जैसे जैसे आप इसमें और हम वीडियोस ऐड करेंगे फीस बढ़ते जाएंगे, जब इसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये भी 1200 का होगा। तो आपके हाथ में, जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हो उतने कम पैसों में आपको मिलेगा, क्योंकि कोर्स तो आपको सारा मिलने वाला है। आप आज ज्वाइन करते हो तो आपका कोर्स आज से लेकर अगले 6 महीने तक एक्टिव है, उसमें नॉट ओनली जो वीडियोस अभी तक बने हुए वो मिलेंगे प्लस आगे भी जो बनने वाले वो भी मिलेंगे। 6 महीने तक जितना भी मैं कंटेंट वो कोर्स में डालूंगा सारे के सारे आपको मिलेंगे। हर वीडियो में ज्ञान है, जितना सीखोगे उतना मजा आएगा, उतना स्ट्रांग बनोगे मेंटली एज एन इंजीनियर। प्लस हर वीडियो के साथ आपको मिलता है एक PDF जिसमें पूरा थियरी विद डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखो, सामने बटन है क्लिक करो, PDF उसका खुल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन उधर है। प्लस आपको मिलता है अलग PDF ऑफ वाइवा क्वेश्चंस, प्लस आपको मिलता है अलग PDF ऑफ MCQ जो अभी नया ट्रेंड बन गया है बिकॉज द होल पैंडमिक थिंग्स हैव चेंज। अब वो लंबे लंबे आंसर्स लिखने का जमाना गया थैंकफुली, क्योंकि वो तो बाय हार्ट होके भी बच्चे मैनेज कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। अब जो नया जमाना आ गया है MCQ वाला, उसमें जिसको टॉपिक समझ में आए हैं वो ही लिख सकते हैं, थोड़ा भी ट्विस्ट करके पूछा तो खाली जिसको समझ में आए वो उसको हैंडल कर पाते हैं, वरना तो फिर गलत गलत जवाब आते हैं। एनीवे, तो आपको MCQs का भी प्रिपरेशन मिलेगा, सब वन स्टॉप शॉप। आपने एक बार वो कोर्स ज्वाइन कर दिया, आपको 8085 के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मिलता है डायरेक्ट एक्सेस टू मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जब भी आपको डाउट हो फोन उठाओ, मैसेज करो मेरे को, पहले अपना नाम और सब्सक्रिप्शन आईडी या जो भी सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने ये अकाउंट से लॉगिन किया है, ये मेरा नाम है, ये कोर्स लिया है, बस एक बार आपको बता देना आई नो यू माय स्टूडेंट, आपका नाम सेव हो जाता है मेरे फोन में। उसके बाद जब भी आप डाउट पूछोगे यू विल गेट द रिप्लाई, मे बी उस वक्त इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करूं अगर मैं बिजी हूं वाइल शूटिंग और समथिंग एल्स, मगर बाय एंड ऑफ डे ऑलवेज आई रिप्लाई। ठीक है, होप टू सी यू देयर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय लर्निंग।